वही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग से मिला। इसने ईसी से 5 मांगे रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम गठबंधन के नेता तीसरी बार एक साथ चुनाव आयोग आए हैं। हमने हमारी चिंताओं को चुनाव आयोग को बताया है और चर्चा की। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी हो, नियमों के तहत काउंटिंग हो, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो, मशीन से जो डेटा आए हैं उससे कंफर्म किया जाए। साथ ही कहा कि ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। बता दें कि चुनाव आयोग ने से इस मुलाकात के दौरान इंडिया गठबंधन प्रतिनिधि मंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, रामगोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे।